करण दिख रागनि ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का यह प्रकरण और उसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया जिसे पंचलब्धियों के रूप में कहा जाता है जिनागम में, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति इन पांच लब्धियों पूर्व की होती है। इन पांच लब्धियों का क्या स्वरूप है, ये लब्धियाँ किस प्रकार की हैं, इसमें क्षयोपशम विशुद्धि देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धियों तक की चर्चा हम आपके बीच में यहाँ कर चुके थे। ये चार लब्धियाँ भव्य तथा अभव्य दोनों के हो जाती है, माने अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक कदाचित पहुँच जाए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभव्य के भी प्रायोग्य लब्धि हो जाती है तो फिर हम पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या होगा हम अभव्य हुए तो, बोले ये शंका करना योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं बतला सकता हूँ आपको, अनगिनती जीवों में से कोई एकाध जीव ऐसा होता है जो अभव्य होता है। माने आप तो चरणानुयोग का सीधा सा फॉर्मूला लगाइए पद्मनंदी पंचविंशति का जिसमें बहुत सरल शब्दों में ये बात कह दी गई, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने इस तत्व की चर्चा को थोड़ी गहराई से सुना हो, रुचिपूर्वक सुना हो, वह जीव निश्चित ही भव्य होता है। बस इस बात को अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। जनवाणी की चर्चाओं को सुनने रूप जो परिणाम है, ये परिणाम साधारण जीवों के नहीं होते। आप जरा अपने आसपास में दृष्टि डाल करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे हम उन लोगों में से हैं जो लाखों करोड़ों में से एक है। माने आज जयपुर में भी यदि हम बात करें और पूरे दुनिया भर में लोग सुनते हैं, आप लोग सब अपने अपने नगर में देखिएगा कितने जैन समाज के घर हैं, कितने जैनियों की संख्या है, और फिर उस संख्या में आप अपने आप को देखिएगा। मैं तो जैनियों में अपने आप को देखने की कह रहा हूँ, अभी मनुष्य गति में अपने आप को देखो और फिर मैं कहूँ कि त्रियंचों को मिला के अपने आप को देखो, और फिर मैं कहूँ अनंतानंत जो जीव राशि इस पूरे तीन लोक में है उसमें जरा अपने आप को देखो, तो आपको लगेगा अनंत अनंत जीवों में से कोई एकाध जीव ऐसा होता है जिसे ये जनवाणी सुनने का भाग्य जागृत होता है। माने हम उन भाग्यशालियों में से हैं जो अनंत में से एक की श्रेणी में आते हैं। लाखों में एक है, लाखों में एक है, हमारा बेटा लाखों में एक है, ऐसी बातें कहने वाले तो कई मिलेंगे, लेकिन जिनवाणी कह रही है लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक नहीं, अरे भाई साहब हम लोग सब अनंतों में एक हैं। क्या इसलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना और अंदर में ऐसा परिणाम कभी नहीं आना चाहिए कि हम यदि अभव्य हुए तो, क्योंकि ये तो लिखा है अभव्य के भी भव्य या अभव्य के प्रायोग्य तक हो जाती है, प्रायोग्य तक हो सकती है अभव्य के भी, तो भाई करणानुयोग तो वो धर्म काटा है कि यदि अनंत में से एक व्यक्ति भी वहां तक पहुंचेगा तो करणानुयोग ये कहेगा इट इज पॉसिबल। क्या करणानुयोग ऐसा ऐसा हो सकता है, एक को हुआ ना, बस
कर्णानुयोग तो ऐसा धर्म काटा है, माने अनंत अनंत में से कोई एक जीव भी यदि कर सकता है तो कर्णानुयोग नियम तो यही कहेगा कि भाई साहब हो सकता है। तो अभव्य जीव के भी प्रायोग्य तक हो सकती है, ये कर्णानुयोग का कथन है। और यदि सामान्य दृष्टि से बात करें तो कौन प्रायोग्य तक जाकर के होने वाले अभव्य काम मिलेंगे आपको, सब भव्य जीव हैं। यहाँ तो प्रीति और उत्साह से तत्व की चर्चा सुनने पढ़ने वाले सबके सब भव्य लोग हैं, भव्य जीव हैं। देखिए लब्धि सारादि ग्रंथों में कर्णानुयोग की विवक्षा से इस चर्चा को काफी विस्तार से बतलाया गया। आचार्य भव्य कह रहे हैं ना, और क्या करना है अपने को, अपने को वितरागी संत ये कह रहे हैं कि तुम भव्य जीव हो, अपने अभव्यपन के संदर्भ में शंका मत करो। क्या आगे आने वाले 608 जीवों में हमारा नंबर है, बिल्कुल अपना नंबर है। क्या अपना नंबर नहीं आएगा तो किसका नंबर आएगा, है ना, उनका थोड़ी ना आएगा जो लाइन में ही नहीं लगे हुए हैं। नंबर तो उन्हीं का आएगा ना जो लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या जो जो लाइन में नहीं है आपको इनका नंबर कहां से आ जाएगा, उनका नंबर, माने ग्रेजुएशन में एडमिशन या एमए में एडमिशन तो उसी का होगा ना जो ग्रेजुएशन कर चुका है। जिसने अभी स्कूल ही पढ़ना शुरू नहीं किया है वो तो लाइन में ही नहीं है अभी। देखिए यहां बात चल रही है बुद्धिपूर्वक काम क्या था। करण लब्धि वाले जो जीव होते हैं वे जीव नियम से सम्यक्त प्राप्त करते ही करते हैं। करण लब्धि उन्हीं जीवों के होती है जिन जीवों का अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन होना हो, उन्हें ही करण लब्धि होती है, ये जिनागम का वचन है। पेज नंबर है हिंदी वाली पुस्तकों में 262, 262, गुजराती पुस्तकों में 268 और 274, दो गुजराती की पुस्तकों के नंबर बतलाएं, हिंदी में 262 नंबर पेज, बीच वाला पैराग्राफ। कल जो लाइनें पढ़ी थी उन्हीं के आगे बढ़ेंगे अपन। बात इतनी महत्वपूर्ण है कि बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या करना है उसका विचार करना चाहिए, हमें क्या करना है। यद्यपि हम रोजाना प्रवचन करते समय रोज भी यदि आपको ये बात कहेंगे कि क्या करना चाहिए, उसके बावजूद भी हमें भरोसा है कि दूसरे दिन तक आने तक आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी करना क्या है, करना क्या है बता तो दिया, अब करना क्या है, लेकिन वो करोगे तब काम होगा ना। क्या अभी यहां तो ये बता दिया करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक है, करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। क्या लगाया मास्टर साहब कल, नहीं लगाया, लगाना पड़ेगा। क्या उपयोग को एकाग्र करके हमें लगाना पड़ेगा जैन साहब, ऐसा नहीं चलेगा। रोजाना आए सुन करके चले गए, समय हो गया दौड़ते दौड़ते आ गए, समय पूरा हो गया दौड़ते दौड़ते चले गए, फिर वही दुनियादारी के कामों में समय मिल गया तो आ गया, समय नहीं मिले तो सोते रह गए, ऐसा कैसे चलेगा बताओ। ये तो बिल्कुल ये चीज छोड़ने योग्य नहीं है। क्या ये चीज छूट कैसे सकती है, ये चीज माने तो जीवन समर्पित करने जैसी चीज है। इसके अलावा तो मनुष्य जीवन यदि आज पूरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा बतलाइए। इतनी ललक जिसको लगे इस उत्साह से काम होता है। यहां देखिए क्या कह रहे हैं, यहां तद्रूप होकर के तत्व विचार में तद्रूप होकर उपयोग को लगाए, तत्व विचार में लीन हो जाओ उसमें वो, और वो तद्रूप होकर के लगाए तो होता क्या है। तो पंडित जी ने कहा कि समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। कि साहब समझ में नहीं आई, ये समय समय परिणाम निर्मल कैसे होते जाते हैं, तद्रूप कैसे होता जाता है। तो टोटरमल जी ने फिर एक उदाहरण देकर के चर्चा की है, इस उदाहरण की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे, यहां से पढ़ना है ना अपने को, जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा, किसी व्यक्ति के शिक्षा का विचार माने उपदेश दाता ने उपदेश दिया, शिक्षक ने पढ़ाया, सब स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं हम लोग, सब जब पढ़ा रहे होते हैं तो एकदम फर्स्ट बार कोई बात कान में पड़ती है तो समझ में नहीं आती है, कम समझ में आती है,
फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रश्न करते हैं और अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे करके उपयोग इतना निर्मल हो जाता है कि अब तो वो वहाँ से बोले इसका इतना परसेंट तो यहाँ से तुरंत बोल देता है। ये कैसे निर्मल हो गया बतलाइए। पहले तो प्लस माइनस करते समय �से लिखता था बराबर, चार डिजिट है तो इधर से तीन डिजिट वाला है तो इधर से बिल्कुल इसके इसके नीचे ये अंक आना चाहिए, इसके नीचे ये आना चाहिए, फिर उसके बाद में इधर से इसका ये हास वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, हासिल वो इसको इधर वहाँ ऊपर एक लगा दो फिर उसको उसमें जोड़ दो, फिर कितना मगजमारी करते थे बताओ मेरे को। हमारे आसान नहीं था वो, छोटे बच्चों को देखो करते हुए, जब कभी सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये क्या, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें घटाओ, इसको ऐसा है हासिल लगा दो, ऐसा भूल गए अपन तो शब्द ही, है हासिल के लगे एक के ग्यारह है इसको ऐसा, और वो कैसे कैसे उनको घटाते हैं जोड़ते हैं गुणा भाग करते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और फिर वो शिक्षा का विचार धीरे धीरे करके उपयोग में इस स्तर पर समा गया, परिणाम इतने निर्मल हो गए कि अब आपको एक के ग्यारह नहीं करने पड़ते। क्या आप क्या सोचते हो एक के ग्यारह आपके यही होते हैं क्या, यहाँ गणित में भी एक के ग्यारह होते हैं, एक का मतलब ग्यारह ऐसा भी होता है क्या, एक का मतलब ग्यारह, यहाँ हासिल का एक उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, तो उपयोग इतने निर्मलता की बात कह रहे हैं पंडित जी, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, जैसे किसी के शिक्षा का विचार, शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा, इतना निर्मल हो गया उपयोग, इतना निर्मल हो गया कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाए। भाव वासन वाली सारी बातें लगा लेना यहाँ, भाव वासन तुरंत हो जाए, इसको इससे गुणा किया, इसको ऐसा किया, इतना परसेंट बतलाया, आपको पता है इनको 15% मिला है मात्र, बराबर के पार्टनर थे उसके बावजूद भी 15% मिला है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गई ना तुरंत 15% वाले कितना मिला है। अब आपको 15% का परसेंटेज कैसे होगा, कितना था, फिर उसके अंदर 15 × 15 करो, फिर अपॉन 100 करो, फिर ये इतना आएगा, फिर इतना होगा, फिर कितना हुआ, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना भाई, बराबर के हिस्सेदार थे जैसे ही ये कहा, और इसकी जगह दूसरा वाक्य कह दिया कि 50-50 के पार्टनर थे, तो आपकी समझ में आ गया ना 50-50 के पार्टनर माने क्या होता है, 50-50 के होते हुए इन्होंने सिर्फ 15% हिस्सा दिया, तो आपके समझ में आ गया ना 15% हिस्से का मतलब क्या है, ये कैसे समझ में आ गया, जो शिक्षा आपने परसेंटेज वाली स्कूल में 6th class में पढ़ी थी उस शिक्षा का उपयोग करते करते वो विचार इतना निर्मल हो गया कि शब्द कहते ही वो बात भाव वासन में आ गई, समझ में आ गई, क्या कैसे आ गई, तो ये कह रहे हैं उसकी प्रतीति हो जाए, इतना शीघ्र हो गया काम, इतना भाव वासन होना चाहिए, माने शिक्षा की उपयोगिता इस भाव वासन तक पहुंचने में है, नहीं तो एवरेज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, सारे मैथमेटिक्स पढ़ ली, सारी अकाउंट्स पढ़ ली, लेकिन पढ़ने के बाद यदि वो भावों के लेवल तक नहीं पहुंचा तो फिर किताबी ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, आपको थोड़ा सा हिसाब करने के लिए दुकान पर खड़े होकर के यदि कैलकुलेटर चाहिए तो फिर इसका मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ भी, थोड़ा सा हिसाब नहीं कर पाए, चार सामान आपने खरीदे, एक 45 का था, एक 58 का था, एक 67 रुपये का था, और ये था, और टोटल कितने करने हैं, तो आपको कैलकुलेटर चाहिए, तो फिर काम थोड़ी ना चलेगा, फिर तो दुकान वाले ने जितना कह दिया उतना आपने दे दिया, फिर बाद में घर आकर के सो क्या पता यार ज़्यादा दे दिए क्या, कम दे दिए क्या, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी ना चलेगा, तो ये भाव वासन इतना हो जाए कि जिससे शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाए, उसी प्रकार ये तो उदाहरण दिया है, ये तो यहां उदाहरण दिया है, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार, ओहो करण लब्धि वाले की चर्चा कर रहे हैं, उपयोग के तद्रूप होने की बात उसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार माने देशना लब्धि में जो बात सुनी थी
उसका विचार ऐसा निर्मल होने लगा, ऐसा निर्मल होने लगा उसका विचार, वो जिनवाणी के शब्द इतने निर्मल होने लगे जैसे अभी सामने वाले से 15-20-45% की बात सुनकर के तुरंत भाव वासन हो गया। पढ़ा कब था और सुनते ही भाव वासन हुआ ना, इसी तरह से ये उपयोग इतना निर्मल हो गया कि अब चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े, चाहे कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पढ़े, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़े, चाहे समय सार पढ़े, वाक्य पढ़ते ही एकदम भाव वासन चल रहा है। ये कहना चाह रहे हैं, ये उपयोग की निर्मलता की बात कर रहे हैं। इतना हो जाए जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य, अकरण लब्धि की चर्चा करनी है आज विशेष। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा है, ओहो, उसका निरूपण करणानुयोग में किया है। थोड़ी सी सूक्ष्म बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखते हैं, बातें समझ में आएगी सबके। बहुत सरलता से अनेक उदाहरणों से बातों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन बातें केवल ज्ञान गम्य है। करणानुयोग के जिस प्रकरण को यहाँ शुरू कर रहे हैं, ये प्रकरण केवल ज्ञान गम्य है। इसकी एक्चुअल निर्मलता, एक्चुअल पोजीशन, परिणामों का उतार चढ़ाव जिस तरह का होता है, जिस तरह का तारतम्य है, तारतम्य माने कंपैरिजन, तारतम्य माने हीना दिखता है। ये जो है ना, ये था ऐसा था ऐसा था, ये उसका जो तारतम्य उतार चढ़ाव हीना दिखता, ये कंपेरेटिव समझो आप। ये जैसा केवल ज्ञान में देखा गया है बात तो वैसी है। अब साहब हमारे को इन बातों को समझना है, हमारे को गहराई से, बोले बहुत गहराई से हूबहू एग्जैक्ट यदि आपको समझना है तो केवल ज्ञान करना पड़ेगा। क्या बिना केवल ज्ञान के नहीं समझ में आएगी? इन्हें फिर भी शास्त्रों में जैसी कही है उसे यहां समझा रहे हैं। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं। इस करण लब्धि के तीन भेद हैं। करण, करण शब्द के अर्थ बतलाया था कल, यहां कह रहे हैं करण लब्धि के तीन भेद हैं। एक है अधः करण, एक है अपूर्व करण, एक है अनिवृत्ति करण। मतलब बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि साहब समझ में नहीं आता ये विषय, समझ में नहीं आता ये विषय, थोड़ा सा जटिल है। क्या मुझे तो ऐसा लगा नहीं, जिंदगी में पहली बार भी जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे तो समझ में आ गया था, आपके भी आ सकता है। थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता की जरूरत होती है। जटिल लगता है ऊपर ऊपर से देखने पर, थोड़ी सी कठिनता दिखाई देती है, लेकिन जैन साहब कठिन मत समझना, कठिन समझेंगे तो फिर वो कठिन ही लगेगा। मतलब हमने हमारे ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये कठिन है, इसलिए वो कठिन है। अब क्या होगा बोलो? हमने यदि ये दे दिया, यहाँ सूचना दे दी कि भाई ये कठिन है, तो फिर क्या होगा? कठिन दिखेगा। तो आप इंफॉर्मेशन ये दे दो, ये बहुत सरल है। क्या ये बहुत सरल है और ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखो जरा क्या कहते हैं, क्या है यहां चर्चा। इस करण लब्धि के तीन भेद हैं, माने करण लब्धि में जो जीव होता है उसमें तीन स्टेप बनते हैं। करण लब्धि में जैसे क्षयोपशम था, हुआ योग्य क्षयोपशम, फिर विशुद्धि हो गई, निर्मलता की तरफ बढ़ गया, फिर विशुद्धि के बाद देशना का योग बना और उसे ग्रहण किया तो देशना लब्धि हो गई, फिर परिणाम अंतर में अंतर की तरफ और बढ़ने लगे तो प्रायोग्य लब्धि का काल चल रहा था। सबका काल अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त का है, अंतर्मूर्त से ज्यादा किसी का भी काल नहीं है। क्षयोपशम लब्धि अंतर्मूर्त होती है, विशुद्धि लब्धि अंतर्मूर्त होती है, देशना लब्धि अंतर्मूर्त होती है, प्रायोग्य लब्धि अंतर्मूर्त होती है, करण लब्धि अंतर्मूर्त होती है। और करण लब्धि जो अंतर्मूर्त है उसमें अधः करण अंतर्मूर्त होता है, अपूर्व करण अंतर्मूर्त होता है, अनिवृत्ति करण अंतर्मूर्त होता है। टोटल 7 अंतर्मूर्त बतला दिए और सब मिलाकर के सातों का काल भी टोटल अंतर्मूर्ति होता है। क्या क्या कहा? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, अधिकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सबका टोटल काल कितना है? बोले अंतर्मूर्त।
सबका अलग अलग कितना है, बोले अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त। क्या करें, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास में। अजब गजब की बातें हैं, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना भैया। देखो क्या कह रहे हैं, अधे करण, करण तो कॉमन शब्द है, अधे शब्द का अर्थ होता है नीचे, अधे माने नीचे, अधे करण नंबर दो, अपूर्व करण, अधे माने नीचे, करण शब्द का अर्थ किया परिणाम, तो नीचे वालों से परिणामों का कंपैरिजन, ये अधे करण। अपूर्व करण माने करण माने परिणाम, और अपूर्व अद्भुत हो उसका नाम अपूर्व करण। अनिवृत्तिकरण, निवृत्ति माने होता है भेद, निवृत्ति माने भेद, और अनिवृत्ति माने भेद नहीं हो, और करण माने परिणाम, माने जिन परिणामों में, जिनके परिणामों में, जिनकी विशुद्धि में, जिनके विशुद्धि के डिग्री टू डिग्री पॉइंट बराबर हो, भेद नहीं हो, उसका नाम अनिवृत्तिकरण है। अभी तीनों को समझाने वाले हैं, आज जितना बनेगा उतना आज समझाएंगे, और जितना बच जाएगा उसे कल फिर समझाएंगे। ये आज और कल दोनों का जो दोनों जो पीरियड हैं, इनको बहुत बारीकी से उपयोग एकाग्रता से सुनना, सब बातें ऐसे समझ में आएगी। देखो जरा क्या क्या कह रहे हैं यहां, इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है। लो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी लब्धिसार और क्षपणासार ये दो ग्रंथ महत्वपूर्ण है कर्मों के नष्ट करने की दृष्टि से। लब्धिसार में दर्शन मोह के नाश की प्रक्रिया को बतलाया है, और क्षपणासार में चारित्र मोह के नाश की प्रक्रिया को बतलाया है। चार महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना नेमिचंद्राचार्य के, जिन पर टोडरमल जी ने टीका लिखी, एक टीका, ग्रंथ तो पांच लिखे उन्होंने ऐसे, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार क्षपणासार, और एक लिखा त्रिलोकसार। त्रिलोकसार का प्रकरण बिल्कुल अलग है, इसलिए उसकी भाषा वचनी का भाषा टीका टोडरमल जी ने अलग लिखी त्रिलोकसार की, और बाकी जो चार थे गोमटसार जीवकांड कर्मकांड लब्धिसार और क्षपणासार, इन चारों ग्रंथों की एक कॉमन टीका, उसका नाम लिखा दिया सम्यक ज्ञान चंद्रिका, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। यहाँ है, यहाँ इस मंदिर में सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं, टोडरमल जी ने यहाँ उसको संपन्न किया, उसको पूरा सिंगाणा में चल रही थी वो सारी प्रक्रिया उनकी लेखन की, ये यहाँ संपन्नता हुई, पूर्णता को यहाँ प्राप्त हुई, वहां से लेकर के आए, फिर सुधार वगैरह हुए, सब कुछ हुए, तो सब यहाँ इस मंदिर में। सम्यक ज्ञान चंद्रिका संबंध कहाँ से है, मूल ग्रंथों से। तो अभी लब्धिसार जो ग्रंथ है, उस लब्धिसार ग्रंथ में दर्शन मोह संबंधी चर्चाएं हैं, उसके नष्ट करने की प्रक्रिया संबंधी, और दर्शन मोह के नष्ट होने की प्रक्रिया वो कहलाती है ये पांच लब्धियों की चर्चा। नाम भी उसका लब्धिसार है, लब्धियों की चर्चाएं हैं, लब्धिसार ग्रंथ, तो लब्धियों की चर्चा, पूरे ग्रंथ में लब्धियों की चर्चा, यहां तो पांच पेज में निपट गई, तीन पेज में, यहां जो लब्धियों की चर्चा तीन चार पेज में निपट गई है, वहां 400 पेज में है। अब क्या बारीकी से वर्णन होगा भैया इन बातों का। तो टोडरमल जी कह रहे हैं विशेष तो लब्धिसार आदि ग्रंथों से जानना, वहां लिखा है वहां से जानना, यहां संक्षेप में कहते हैं। और 500 पेज कौन पढ़ेगा लब्धिसार के, पांच लब्धियों को जानने के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, यहां तो पांच पेज गले नहीं उतर रहे हैं, 500 पेज चिंता मत करो, आपके लिए प्रयोजन भूत समझा देंगे। एक क्या चीज, वो ग्रंथ है ना लब्धिसार, क्या गोमटसार जीव कांड जैसे है वैसे ही गोमटसार कर्म कांड है, वैसे ही लब्धिसार है, वैसे ही क्षपणासार है, और इन सब के ऊपर टीकाएं हैं टोडरमल जी साहब की। देखिए जरा त्रिकालवर्ती बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इस वाक्य से जो अगला वाक्य दे रहे हैं इसके ऊपर पूरी करण की चर्चा टिकी हुई है। त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती माने भूतकाल के जीव, वर्तमान में जितने जीव हैं,
और भविष्य में जितने जीव होंगे त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले, त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले मतलब तीनों कालों में जो जो जीव करण लब्धि में है, भूतकाल में जो जो व्यक्ति करण लब्धि में था, महावीर भगवान को भी जब सम्यक दर्शन हुआ होगा तो करण लब्धि हुई होगी कि नहीं, हुई होगी, बिना उसके तो प्रथम उपचम सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तो महावीर भगवान को भी जब करण लब्धि में थे उस समय, आदिनाथ भगवान भी जब करण लब्धि में थे उस समय, अनंत वीर्य बाहुबली भरत जी रामचंद्र जी जो भी करण लब्धि में थे उस समय, त्रिकालवर्ती की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कोई जीव तीन लोक में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चल रही हो, उसके करण लब्धि का काल चल रहा हो, ये वर्तमान वाला, और भविष्य में आज के करोड़ों वर्ष बाद, भविष्य में भी अनंत अनंत काल बाद भी कोई व्यक्ति के करण लब्धि की प्रक्रिया चल रही हो, वो भी, ये क्या कह रहे हैं, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले, सारे करण लब्धि वालों को पकड़ लो, उन जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये तीन नाम हैं, सारे करण लब्धि वालों का वास्तव में कंपैरिजन चलेगा एक दूसरे के साथ में, ये इंडिविजुअल नहीं हो सकती ये बात, करण लब्धि की चर्चा माने कंपैरिजन की चर्चा, अधिकरण कब कहलाए, अकेला अधिकरण नहीं होता है, कंपैरिजन होता है तो होता है, जैसे किसी व्यक्ति को गोरा कहना, किसी व्यक्ति को काला कहना, किसी व्यक्ति को बड़ा कहना, किसी व्यक्ति को छोटा कहना, किसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहना, ये सब बातें विदाउट कंपैरिजन नहीं हो सकती है, प्रतिपक्ष के बिना ये बात हो ही नहीं सकती है, कैसे कहेंगे ये तो गोरे हैं तो किसकी तुलना में, ये तो बताओ, हमने कहा ये बड़े हैं तो किससे बड़े हैं, ये तो बताओ, कि साहब इनके परिणाम अपूर्व हैं तो किससे अपूर्व हैं, तो जब तक अन्य व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं हो, जब तक अन्य के साथ में कंपैरिजन नहीं हो, तब तक ये बात बनती नहीं है। क्या वर्तमान में भी करण लब्धि वाले जीव हैं, तीन लोक के जीवों की चर्चा चल रही है ना, तीन लोक में हो सकते हैं ना, कहीं भी आपके भरत क्षेत्र पंचम काल में भी कोई जीव हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक तो करने वाला, असंख्यात जीव हैं वर्तमान में, सैनी पंचेंद्रिय जीव असंख्यात पूरे तीन लोक में, उन असंख्यात सैनी पंचेंद्रिय जीवों में से कितने ही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रोसेस में लगे हुए होंगे, तो करण लब्धि में हो सकते हैं कोई भी जीव। देखिए बात क्या कह रहे हैं, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये तीन नाम हैं, अधिकरण अपूर्व करण अनिवृत्तिकरण, इन तीन करणों में सर्व जीवों को साथ में लेकर के बात होती है, वहां करण नाम तो परिणाम का है, करण शब्द के कल कितने सारे अर्थ बतलाए थे, करण माने साधन भी होता है ना, करण माने द्वारा, करण माने कान भी होता है, करण माने इंद्रिय भी होता है, करण माने गणित भी होता है, कर्णानुयोग कितने कर्णानुयोग, वहां करण शब्द का अर्थ गणित है कर्णानुयोग में, और परिणाम भी लिया जाता है, जब कर्णानुयोग कहते हैं तो करण शब्द का अर्थ गणित और करण शब्द का अर्थ परिणाम, तो करण अनुयोग माने जहां परिणामों की विशेष पकड़ की चर्चा हो उसका नाम करणानुयोग, और करण माने गणित, जहां गणित विषय की प्रमुखता से चर्चा हो गणित के आधार पर उसका नाम करणानुयोग, और करण माने इंद्रियां भी होता है, और करण माने करण लब्धि भी होता है, तो यहां करण शब्द का अर्थ करण लब्धि रूप परिणामों के अर्थ में है। देखिए बात क्या कह रहे हैं, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के, सारे करण लब्धि वाले जीवों को एक जगह पर बिठाओ, महावीर भगवान जिस समय करण लब्धि में थे और मैं जब करण लब्धि में होऊंगा के हूं के था, जो भी स्थिति, तो ये जो आपस में कंपेरिजन होगा उनकी अपेक्षा से तीन नाम है, वहां करण नाम तो परिणाम का है। अब जरा समझते हैं एक एक करण के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा, जहां जहां माने कहां, जहां का मतलब
करण लब्धि की चर्चा है, जहाँ का मतलब किसी समय शिखर जी जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, मुंबई, कलकत्ता, विदिशा, ऐसे ऐसे, जहाँ का मतलब वहाँ की चर्चा नहीं है। जहाँ माने करण लब्धि में जो जीव है, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हों, सो अधिकरण है। क्या बात कह रहे हैं, लब्धि सार गाथा 35 का उदाहरण दे दिया, यहाँ वहाँ से उठाई है चोडरमल जी ने बात। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हों, सो अधिकरण है। बात को समझने की चेष्टा करना, पहले पिछले क्या चीज होती है, समयों के परिणाम समान हो, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में आ गया। करण लब्धि में आया माने विशुद्धता का लेवल करण लब्धि के योग्य हुआ, ठीक है। अब पहले समय में जितनी विशुद्धि थी उसकी दूसरे समय में, अभी करण लब्धि के अंतर्मूल समय की बात कर रहे हैं, अभी अधिकरण की बात कर रहे हैं सब। अधिकरण का पहला समय, अधिकरण का दूसरा समय, अधिकरण का तीसरा समय, अधिकरण का चौथा समय, अधिकरण का पांचवा समय, ऐसे अधिकरण के समयों की लाइन लगा ली। कब तक का समय अधिकरण कहलाएगा और कब समय आगे बढ़ते ही अपूर्व करण हो जाएगा, कब तक अपूर्व करण कहलाएगा और किसके बाद अनिवृत्ति करण हो जाएगा, ये सब नापने की कोशिश कर रहे हैं अपन जिनागम के आलोक में। प्रायोग्य लब्धि क्रॉस करके किसी जीव के परिणाम बहुत विशुद्ध हुए तो अभी बहुत लंबे समय तक तो अधिकरण चला, फिर उसके बाद बहुत लंबे काल तक अपूर्व करण चलेगा, फिर बहुत लंबे काल तक अनिवृत्ति करण चलेगा। ये जो बहुत लंबा कह रहा हूं ये सब अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर है, हाँ इनको कोई लंबा मत समझ लेना। लंबा तो इसलिए कह रहा हूं कि उसमें असंख्यात असंख्यात समय है, इसलिए लंबा कह रहा हूं। तो अभी किसी व्यक्ति का पहला समय अधिकरण में और किसी का दूसरा समय, किसी का तीसरा समय। अब कह रहे हैं कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अधिकरण में आया, उसको पहला समय हुआ अधिकरण में, और इस व्यक्ति को अधिकरण में आए हुए तीसरा समय हो गया, इस व्यक्ति को अधिकरण में आए हुए तीसरा समय हो गया, और अगला व्यक्ति पहले समय में अधिकरण में आया है, तो पहले ही समय में इतनी विशुद्धता थी कि उसको पकड़ लिया, नहीं ख्याल में। माने बाद के, बाद में आने वाला व्यक्ति जब पहले से आए हुए व्यक्ति के लेवल की बराबरी कर लेवे, तब तक का काल अधिकरण का है। पीछे वाला व्यक्ति जब उसको पकड़ सके तब तक का काल अधिकरण का है। ख्याल में आ रही है बात, कितने खूब दिए हैं उदाहरण पहले जब चर्चाएं की है ना, ध्यान में आ रही होगी आप लोगों को, सब इस सभा में तो चले हैं सब विषय। हाँ पहुंचा दिया आपने सामान्य, अभी अभी सब धीरे धीरे करेंगे, देखो अभी बात, अभी अभी तो सिर्फ एक एक स्टेप से समझिए धीरे धीरे। जैसे समझ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ शुरू हुआ, क्या अब ग्रंथ शुरू हुआ और या कहीं क्लास शुरू हुई किसी जगह पर, किसी जगह पर कोई कोर्स शुरू हुआ, अब शुरू हुआ जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से वो कोर्स शुरू हो गया, जितनों का एडमिशन हुआ था सब लोग आना शुरू हो गए। अब 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, अब कोई नया स्टूडेंट आया, क्या उसने कहा कि अरे सब्जेक्ट तो निकल गया होगा बहुत सारा, तो टीचर ने कहा नहीं 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 तुम कवर कर लोगे, अभी कोई ज़्यादा चला नहीं है। मैंने वो 5 दिन की क्लास आगे 2 दिन में कवर हो जाएगी, तो जब तक कवर कर लिया जाए तब तक अधिकरण है। अभी क्लास चलते चलते 4 महीने हो गए और अब कोई कहीं से कोई ट्रांसफर होकर के आया, तो कहा मेरा एडमिशन ले लो, बोले नहीं यार तू कवर नहीं कर पाया, वो हो नहीं पाएगा। कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा। समझ लीजिए आप 10 महीने स्कूल चलता है तो 10 महीने में से 7 महीने निकल गए, अब कोई व्यक्ति के आज मैं एडमिशन लेकर के कवर कर लूंगा तो बोले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अरे वो नहीं पाएगा वो।
तो जब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले को पकड़ ना सके, जब तक पकड़ सके तब तक अधिकरण है। अभी सिर्फ अधिकरण की बात कर रहे हैं। जब नहीं पकड़ने के लेवल पर पहुंच जावे तो अपूर्वकरण। और ये पीछे वाला व्यक्ति आज की बात नहीं कर रहे, ये त्रिकालवर्ती जीवों की बात कर रहे हैं। माने कोई व्यक्ति अधिकरण के अंदर 15 नंबर के समय पर है, और 15 नंबर के समय पर जितनी विशुद्धि है, अब किसी व्यक्ति ने भूतकाल में महावीर भगवान के काल में किसी एक जीव ने, गौतम स्वामी ने, उन्होंने 5 समय में ही इतनी विशुद्धि ले ली थी उन्होंने, तो बोले ये अधिकरण का स्तर है। अभी तक कंपेरिजन किससे कर लिया, अपने से नहीं, किसी भी जीव ने 3 काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, अनादि काल पहले, अनंत काल बाद, कोई भी जीव जितने लेवल तक आप 15 समय में पहुंचे हो, उतने लेवल पर कोई जीव 3 समय में पहुंच गया, कोई जीव 5 समय में पहुंच गया, तब तक का काम अधिकरण का काल कहलाएगा। कुछ कठिन तो नहीं लग रही है बात? माने जिस लेवल तक पकड़ में आ जाए, दोनों दौड़ रहे हैं, सब जीव लगे हुए हैं लाइन में, सब फटाफट फटाफट चल रहे हैं। अब कोई संख्या कितना समय है उसमें, बोले असंख्यात समय है, काल तो असंख्यात समय का है ना। अब उन असंख्यात समयों में से पहले समय में जितनी विशुद्धि होती है, दूसरे समय में उससे ज्यादा होती है, तीसरे समय में उससे ज्यादा होती है, हर समय वो विशुद्धि बढ़ती 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 चली जाती है, हर समय विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। अभी जो पीछे वाला आया है उसने जिस स्पीड से शुरू करता है वो मल्टीपल होती हुई बढ़ती चली जाती है विशुद्धि। एक व्यक्ति यहां से निकला सांगानेर पहुंचाओ, क्या है? एक व्यक्ति यहां से निकला, गाड़ी लेकर के निकल गया, 40 की स्पीड से चल रहा है, इतने में क्या हुआ, मोबाइल उसके पास में था नहीं, ये बिना मोबाइल के जमाने वाली चर्चाएं हैं सारी, है ना। तो पीछे से दूसरे, अरे यार वो कहां चला गया, रोको उसको, भाग भाग, पकड़ उसको, पकड़ जल्दी से। तो बोले इतनी दूरी तक जहां तक वो पहुंचा है, जहां तक पीछे से दौड़ने वाला व्यक्ति उसे जिस जगह तक पकड़ सके तब तक अधिकरण। और इतने लेवल उसने क्रॉस कर दिया सांगानेर पहुंचते बीच रास्ते में, कि अब यदि यहां से कोई भी व्यक्ति पीछे से पकड़ने के लिए निकले तो बोले उसके पहुंचने से पहले वो पकड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब वो लेवल क्रॉस कर लिया उसने अधिकरण वाला, और वो चला गया अपूर्वकरण के लेवल पर। हो सकता है ना ऐसा? अब अवेलेबल, अब तो क्योंकि कई बार इस तरह की परिस्थिति बनती है कि यार उनको उस काम के लिए भेजा है, वो वहां जाकर के उनको ये सूचना देनी है, वो तो चला गया। अब पीछे से ये विकल्प आ गया, एकदम कोई पीछे से फोन आ गया, लैंडलाइन पे कुछ हो गया कि नहीं नहीं वो काम हो गया है, वो उनको कहना मत, बोल रोक यार वो कहने देवे, गड़बड़ हो जाएगी, क्या वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो पकड़ो उसको जाकर के। तो जब तक पकड़ में आ जावे तब तक अधिकरण, और जब पकड़ में न आ सके तब अपूर्वकरण। कठिन नहीं है बात, ख्याल में आ गई? अभी देखो दो उदाहरण दे दिया आपको, एक शिक्षा के आधार पर समझा दिया, एक दौड़ के आधार पर समझा दिया। जरा एक बार टोडरमल जी की ये पंक्तियां पढ़ लेते हैं अपन, फिर अपन और बात करेंगे इसके संदर्भ में। जहां पहले और पिछले, पहले जो आगे निकल गया, पिछले जो पीछे रह गया, इनके समयों के परिणाम समान हो, माने विशुद्धि बराबर हो जाए आगे पीछे वालों की, दोनों ने कवर कर लिया, दोनों का लेवल एक जैसा हो गया, तो जहां दोनों बराबर हो जावे उसका नाम है अधिकरण। अधय माने नीचे वाला, अधय माने बाद वाला, अधय माने पीछे वाला, और करण माने परिणाम। तो पीछे वाले के परिणाम, नीचे वाले के परिणाम ऊपर वाले के परिणामों के बराबर हो जावे, इसका नाम है अधिकरण। सरल है बात, कुछ भी मुझे ऐसा लगता ही नहीं इसमें क्या कठिन है, लेकिन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है। तो देखो, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधिकरण है। जैसे टोडरमल जी समझा रहे हैं, जैसे किसी जीव के परिणाम, ध्यान देना सुबोध जी क्या कह रहे हैं,
जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में, करण शुरू हुआ क्या माने, किसी जीव के परिणाम उस करण के, उस करण माने अधिकरण की चर्चा चल रही है, करण लब्धि में अधिकरण की चर्चा चल रही है, किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात उसी जीव के परिणाम, अभी एक ही व्यक्ति के, समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। ठीक है, पहले समय में जैसे विशुद्ध परिणाम थे, दूसरे समय में विशुद्धता अनंत गुना ज्यादा हो गई, तीसरे समय में मेरी विशुद्धता और ज्यादा हो गई, चौथे समय में मेरी विशुद्धता और अनंत गुना ज्यादा हो गई, समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से परिणाम बढ़ते चले जा रहे हैं। बराबर, तथा उसके द्वितीय समय में, तृतीय समय में, उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो। आलोक जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, अभी एक जीव ने अधिकरण में प्रवेश किया, पहले समय में जितनी विशुद्धता थी, दूसरे समय में उससे अनंत गुनी ज्यादा हो गई, तीसरे समय में उससे अनंत गुनी ज्यादा हो गई, चौथे समय में उससे अनंत गुनी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब जैसे इसके दूसरे समय में परिणाम थे, जैसे इसके तीसरे समय में परिणाम थे, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो। क्या बात समझ में आई क्या, जैसा इसने तीसरे समय में पहुंच करके जितनी विशुद्धता की थी, वैसा किसी अन्य जीव के पहले ही समय में हो गई, और उनके उससे समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अधे प्रवृत्त करण जानना। क्या कह रहे हैं, ख्याल में आ गई क्या बात, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई जटिलता होगी। इस पूरे पैराग्राफ को दो बार बहुत शांति से पढ़ो तो आपको वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आवे। पहले समय में जितनी विशुद्धता, ये होता क्या है, अधिकरण अपूर्व करण आदि में समय, मतलब हर समय विशुद्धता बहुत तेजी से प्रति समय बढ़ती चली जाती है, निर्मलता का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। ये सब अंदर के आत्म परिणामों की विशुद्धता का प्रकरण चल रहा है। क्या अंदर में परिणामों की विशुद्धता के स्तर की चर्चा चल रही है, और वो विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। तो बोले मैं जब दूसरे समय में जितनी पहुंच गया था, अब तो बहुत पहुंच गया, तीसरे समय में तो और अनंत गुना ज्यादा कर ली, कि सुन तू अपने आप को शेर समझ रहा है, पीछे वाला ऐसा सवा शेर आएगा जो तेरे से डबल स्पीड से चलेगा क्या, और तुझे पकड़ लेगा। तो जहां आप चौथे समय में पहुंचे, वहां वो दूसरे समय में ही पहुंच गया। जहां आप 20 नंबर के समय पर पहुंचे, वहां वो चौथे समय में ही पहुंच गया, छठे समय, आठवें समय में पहुंच गया, दसवें समय में पहुंच गया। तो समझ लीजिए आप पकड़ लिया, ये अधिकरण है। ये कब हो सकता है, नहीं सुनिए सुनिए, अधिकरण क्या कहलाएगा इसमें आप ध्यान दीजिएगा। जिस जगह तक कभी भी पकड़ में आने की पोजीशन हो सके, वो पूरा अंतर्मूर्त काल वो अधे प्रवृत्त करण का काल है। जिस विशुद्धता तक कोई भी व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश करने वाला पकड़ लेवे, पीछे वाला चाहे वो दो समय पीछे था, चाहे 15 समय पीछे था, चाहे 25 समय पीछे था, चाहे कितने भी समय पीछे था, चाहे जस्ट एक समय ही पीछे हो और उसने पकड़ लिया, 25 समय पीछे था उसने पकड़ लिया, बोले मतलब विशुद्धि जिस जीव की इस लेवल तक चल रही है कि पकड़ पाएगा, और उसकी विशुद्धता का लेवल एक्सट्रीम लेवल पर जंप मार गया आगे, कि अब अगले समय में इतना तेज लेवल हो गया विशुद्धता का कि बगल वाले एक समय पीछे वाला भी पकड़ नहीं पाएगा, तो अपूर्व करण हो गया। ख्याल में आई बात, तो अधिकरण और अपूर्व करण वैसे दो समझा दिए यहां, क्योंकि अधिकरण के साथ में अपूर्व करण जुड़ा हुआ है, फिर भी एक बार इस बात को पढ़ लेते हैं अपन, कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। माने एक बार इतना क्लियर हो जाए बात कि कहीं से भी कोई हिलाने डुलाने की कोशिश करे तो फिर हम हिले नहीं। समझ में आ गई कि क्या चीज है ये।
व्यक्तिगत नहीं है, मिलान करने पर ये बात समझ में आएगी। देखिए वापस देखिए जरा, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, डेढ़ मिनट का समय और लगेगा, समय हो गया है अपना, एक डेढ़ मिनट बस सिर्फ पढ़ूंगा, है ना, एक एक शब्द को थोड़ा बारीकी से। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, अब ये तो कितनी सरल, एक ही लाइन के अंदर बात क्लियर हो गई, एक ही लाइन में कह दिया यहाँ, पहले और पिछले समयों के परिणाम, परिणाम माने परिणामों की विशुद्धि, परिणाम माने विशुद्धि का लेवल समान हो आगे पीछे वालों के, सो अधिकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम, किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में, भाई करण लब्धि का एक विशिष्ट टाइम पीरियड है ना, तो किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित थे, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, एक ही जीव की बात है यहां तक, तथा उसके उसी जीव के जो समय समय बढ़ते गए थे ना विशुद्धता, उसी जीव के द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, अभी एक ही व्यक्ति की चर्चा चल रही है, करण लब्धि में आए हुए व्यक्ति के दूसरे समय में जैसे परिणाम थे, तीसरे समय में जैसे परिणाम थे, विशुद्धता अनंत गुना बढ़ती जा रही थी, वैसे ही ये यहां से जोड़ना है, वैसे ही किन्हीं अन्य जीवों के, दूसरे जीवों के, अब अन्य कौन, कि ऊपर वाले पैराग्राफ की लाइन ध्यान देना, त्रिकालवर्ती जीवों में, अन्य जीवों में माने कौन, बगल में बैठे हुए व्यक्ति की बात नहीं है, अन्य जीवों में मतलब कौन, अन्य जीवों में माने भूतकाल में भी कभी, अन्य जीवों में मतलब समझ लीजिए आप जो भी जीव, किसी भी व्यक्ति की बात करो, माने युधिष्ठिर स्वामी ने प्राप्त किया, नकुल ने प्राप्त किया, सहदेव ने प्राप्त किया, जब जब करण लब्धि में थे वो, सबकी बात लगा लो आप, अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, कैसे, जैसे दूसरे तीसरे में थे, ये प्रथम समय में ही हो, और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो, माने बाद वाला आगे निकल जाएगा, इस प्रकार अधः प्रवृत्त करण जानना, ये काल अधः प्रवृत्त करण का है, और जिन जीवों के अधः प्रवृत्त करण का काल होता है, ये पूरा हो जाने पर अपूर्व करण का काल आता है, और अपूर्व करण का काल पूरा हो जाने पर अनिवृत्ति करण का काल आता है, और वो जब पूरा होता है तो अगले समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बहुत विशिष्ट प्रकरण है, आज अधः करण की थोड़ी विशेष चर्चा की है, कल अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण की चर्चा करते हुए इस प्रकरण को संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। गहराई से समझना, विचार करना, ये परिणाम न पकड़ में आते हैं, न देखे जाते हैं, न दिखाई देते हैं, केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन कंपेरिजन से उसे मोटा मोटा समझाने का प्रयत्न किया है। चलिए अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं